हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव बहुरानी और मैं हूँ सुनीता। तो आज मैं इन पुराने बैंगल्स को रीयूज करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये सिल्क थ्रेड लिया है और इस कार्डबोर्ड पीस पर मैं इसके 30 राउंड्स लगाऊंगी। थर्टी टाइम्स हमारा हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे और इसके दोनों एडजेस को फेविकोल या फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। ये थ्रेड्स हमारा रेडी हो चुका है और ये बैंगल पर भी मैं थोड़ा सा फेविकोल या फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी और पूरी बैंगल पर इस तरीके से थ्रेड से हम इस पूरी बैंगल को कवर कर लेंगे। तो हमारी बैंगल रेडी हो चुकी है, अब हमें फिर से इस कार्डबोर्ड पर 5 टाइम्स राउंड थ्रेड से लगाने हैं। 5 टाइम्स होने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। और अब हम इसे इसके दोनों किनारों को फिर से फेविकोल से या फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बैंगल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है अभी और हम इन्हें ईजली घर में बना सकते हैं। अब इस थ्रेड से बैंगल पर एक नोड लगाना है और थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर देना है। अब 2 राउंड लगाने के बाद सबसे पहले हमें गोल्डन बीट्स इसमें पिरोना है, उसके बाद ये शेल हमें इसमें लगाना है। शेल लगाने के बाद उसी बीट से ये धागा हमें फिर से दूसरी साइड निकाल लेना है। ये हम नीडल से भी इजीली कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर से करके बता रही हूँ। पहले एक बीट्स हमें पिरोना है, फिर एक शेल हमें पिरोना है, फिर उसी बीट से हमें वापस नीडल निकाल लेनी है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, एक बार ये लगाने के बाद हमें एक नोड लगानी है ताकि ये अपनी जगह पर हिले नहीं। और अब हमें थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए सारी बैंगल पर ये बीट्स इस तरीके से लगा लेने हैं। तो हमारी बैंगल बनकर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।